हेलो दोस्तों, LNIPE में BPEd और MPEd के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, स्क्रॉल को नीचे करता हूं मैं, यहां पर काउंसलिंग फॉर्म इस तरह से करके एक लिंक आया गया है, क्लिक हियर करके लिखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, काउंसलिंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का मैं आपको करके दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको करना है। यहां पर एप्लीकेशन नंबर डालता हूं मैं और डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, डेट, मंथ और ईयर, बीच में कोई डैश नहीं होगा, कोई स्लैश नहीं होगा। ये करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। ये देखिए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने रिजल्ट आ गया है स्टूडेंट का। मैंने थोड़ा ब्लर कर रखा है क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी का हमें ध्यान रखना होता है। अब स्क्रॉल को हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर ऊपर कुछ डिटेल्स आपको दिख रही हैं, नेम वगैरह, ये चीज़ लिखी हुई है। नीचे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के। तो आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का टोटल था, जिसमें से 40 का रिटर्न था और 60 का स्किल था। तो दोनों का टोटल मिलाकर इस स्टूडेंट के 80.75 मार्क्स हैं। ठीक है, कितनी रैंक है इसकी, तो कॉमन रैंक है स्टूडेंट की 30 और कैटेगरी रैंक है इसकी 12। ठीक है, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यस और नो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यस, ये स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ना हो, तो हो सकता है उनके में नो लिखा हुआ हो या वेटिंग फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि स्टूडेंट एलिजिबल है तो इसमें यस लिखा हुआ है। और दोस्तों, कौन कौन एलिजिबल है, किसके किसके में यस लिखा हुआ है, वो इस वीडियो के कॉमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और किसके में वेटिंग लिखा हुआ है, किसके में नो लिखा हुआ है, आप सभी लिख करके कॉमेंट्स में बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किसका किसका काउंसलिंग में यस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, स्टडी सेंटर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट वन और टू। तो यहाँ पर ऊपर ग्वालियर है, नीचे गुवाहाटी है, दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि मुझे ग्वालियर करना है, तो मैंने फर्स्ट पर ग्वालियर कर दिया। उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो सेकेंड प्रेफरेंस पर मान लेते हैं मुझे गुवाहाटी करना है, मैंने गुवाहाटी कर दिया। ठीक है, आपकी जो भी प्रेफरेंस आप वो कर सकते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस गुवाहाटी हो और सेकंड ग्वालियर हो, तो वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और आपका काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है काउंसलिंग कराने का। लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर काउंसलिंग कराने का एक एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा था 1300 रुपीज, जो कि इस बार नहीं लिया जा रहा है। अभी तक इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियली कि आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है काउंसलिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, काउंसलिंग के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करना। लास्ट ईयर 1300 का अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था, तो वो इस बार नहीं करना। लास्ट ईयर हालांकि फीस भी कम थी, 800 आपका फॉर्म की फीस थी, इस बार फॉर्म की फीस ही आपकी 1500 है और स्किल टेस्ट के लिए भी आप ऑलरेडी 500 दे चुके हैं, तो शायद इस वजह से काउंसलिंग का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, उस पर क्लिक करके आप अपना चेक कर लें और काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर दें। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी जो भी हो, सोच समझ करके भरिएगा। और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वहां भी मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है,